टिहरी जनपद के सीएमओ द्वारा सख्त आदेश के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मामला फूलबेहड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सीएचसी फूलबेहड़ की एक स्टाफ नर्स के द्वारा अपने ही घर पर डिलीवरी करवाने के दौरान बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। प्रसव के बाद बच्चे की मौत पर परिजन हंगामा कर रहे थे। बताते हैं कि यह हंगामा देर शाम तक होता रहा, जिससे वहां पर आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। बताते चलें कि बसेगापुर निवासी नेहा की अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने नर्स से बात की। इस पर नर्स ने मरीज नेहा को अपने ही घर पर बुला लिया और वहीं पर प्रसव कराना शुरू कर दिया। प्रसव के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बताते हैं कि अपने घर पर डिलीवरी करने वाली नर्स फूलबेहड़ सीएचसी में कार्यरत है, जिसका नाम लक्ष्मी जायसवाल बताया जा रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भला आमजन कहाँ जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।